हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ झटपट पुलाव, मटर पनीर वाले पुलाव। तो मैंने एक गिलास बिरयानी चावल ले लिए हैं और मैंने लिया है एक छोटी कटोरी में मटर पनीर के क्यूब्स मैंने काट लिए हैं, प्याज मैंने काट ली है बारीक बारीक एक, और टमाटर लिए हैं मैंने दो। तो सबसे पहले अब हम पनीर को एक पैन में फ्राई कर लेंगे। मैं पनीर फ्राई करके डालूँगी इसमें और दूसरी तरफ हम छौंक तैयार कर लेंगे ताकि हमारे पुलाव फटाफट से बन जाए। तो इसको हम हाई फ्लेम में फ्राई कर रहे हैं, इसको डालकर हमने छोड़ दिया है और दूसरी तरफ हम पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। तो ये सारे खड़े मसाले हमने एक रिफाइंड में डाल दिए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, जीरा और एक हरी इलायची और लौंग। सारे मसाले हमारे भुन गए हैं, इसमें डाल दिया अब हमने प्याज। प्याज को भी हम भून लेंगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन तक। इसमें डाली मैंने दो हरी मिर्च, प्याज हमारी भुनने लग रही है। दूसरी तरफ हमने पनीर फ्राई होने के लिए रख दिया है ताकि हमारा टाइम भी बचे और जल्दी बन भी जाए फटाफट से। ठीक है, पनीर हमारा फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, इसको थोड़ा सा हम पलट देंगे। और इसमें डालूंगे मसाले, गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक। और इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच छोला मसाला भी, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और मैं डाल रही हूँ इसमें दो टमाटर जो मैंने बारीक काट लिए थे। मैंने हल्दी नहीं डाली है पुलाव में, बिना हल्दी के पुलाव बना रहे हैं हम। सिर्फ मैंने धनिया पाउडर डाला है इसमें, नमक डाला है और छोला मसाला और थोड़ा सा और टमाटर डाले हैं। तो इनको मैं टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए पनीर हमारा फ्राई हो गया है, इसको हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। देखिए इधर हमारे टमाटर गल रहे हैं और इधर पनीर। झटपट पुलाव 5 मिनट में हमारे पुलाव बन के रेडी है। पनीर हमने निकाल लिया सारा। देखो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, इसको थोड़ा हम मैश कर लेंगे अच्छे से चमचे की हेल्प से। देखिए डाला हमने थोड़ा सा गरम मसाला, और हींग को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें डाल दिया हमने मटर पानी में जो हमने भिगो दी थी। इसमें डालेंगे हम पनीर। पनीर हमने फ्राइज लेके रखी ताकि वो बिल्कुल, अगर हम कच्चा डालेंगे तो इसमें वो फूट जाएगा, बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो उसको फ्राई करके डालेंगे और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम चावल को धो के हमने डाल दिया है। चावल का रेशो तो सबको पता ही है, 1 गिलास चावल तो 2 गिलास पानी, 2 गिलास चावल तो 4 गिलास पानी, रेशो पानी का सेम ही होता है। उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा मसाला इसमें। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ये नाप के रख लिया था पानी हमने। नमक हमने इसमें पहले ही डाल दिया था, आपको अगर कम लगता है तो आप थोड़ा टेस्ट करके भी नमक डाल सकते हैं। अब इसका कुकर का हमने ढक्कन लगा दिया है। अब 1 सीटी गैस को थोड़ा मीडियम कर लेंगे और 1 सीटी आने पर खोल लेंगे। देखिए पुलाव हमारे बन के बिल्कुल रेडी है, जो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे इसमें से खुशबू भी आ रही है और बहुत टेस्टी है। एक एक चावल का दाना हमारा खिला हुआ बना है बिल्कुल। देखो पनीर भी हमारा बिल्कुल नहीं फूटा, ये देखिए। अब इसको मैं एक प्लेट में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखो झटपट हमारे पुलाव बन के रेडी हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे, ये खाने में बहुत टेस्टी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।